अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। थर्सडे डेट है 5/5/2022 और इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक आज जो तीसरा शवाल है, मंजे तीसरी ईद है। हाँ जी, तो अभी टाइम आ गया है सुबह के 11 और मैं जो हूँ ना वो अपने घर से निकल रहा हूँ और मौसम भी थोड़ा आजकल साफ है, देख सकते हो। और यहाँ से जो है वो सूरज निकला हुआ है। बाकी हम जो है ना हम अभी हेलमेट लगाते हैं। हाँ जी, हेलमेट हो गई फिक्स और यहाँ से जो है ना वो निकल रहे हैं उस दरवाजे की ओर। ग्लोव लगाते हैं, कल वाले ग्लोव जो है ना वो मतलब गीले हो गए, इसीलिए ये वाले लगाते हैं, ये अच्छे रहते हैं। और थोड़ी बहुत सर्दी भी है। मम्मी को हमने बोला कि हम निकलेंगे, हैंड टॉवल जो मैंने पहले ही बाहर निकाल के रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने वाला स्क्रीन जो है वो मैंने ऑफ कर लिया बिकॉज इससे बैटरी बच जाती है। वैसे भी GoPro जो है ना बहुत ही कम टाइम देता है, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे देता है। हमारी मस्जिद शरीफ को स्टिल कंस्ट्रक्शन ऑन है। भी जो है ना वो हम स्पीड में थोड़ा जाएंगे बिकॉज आज दिन में हमें बहुत ज्यादा काम है, मंजे बहुत ज्यादा। मुझे जाना है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के एक इलाके में, उसको बोलते हैं सांबूरा, बिकॉज वहां से जो है ना वो हमें कुछ एक्सपेंसिव चीज लानी है। मौसम जब साफ होता है ना तो बहुत ही मजा आता है राइडिंग करने, जब मौसम खराब होता है मतलब बारिश होती है तब उतना मजा नहीं आता है। पहुंच गए हैं हम धौत, यहाँ से जाते हैं गुलजारपुरा, सीधे से जाते हैं मलंगपुरा और यहाँ से जाते हैं कोयल पुलवाम। हमें जो है वो कोयल साइड से जाना है। देखो भाई लोग, यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और रोड को ही ब्लॉक कर दिया है, मतलब क्या हद है यार। रोड को ब्लॉक करना बहुत ही ज्यादा गलत है। आपको पता है कि सड़क की अहमियत क्या है? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर मस्जिद होगी और वहां से रोड जा रहा है, वो रोड मस्जिद शरीफ के बीचों बीच जा रहा है, तो मस्जिद शरीफ को जो है ना वो शहीद करो और रोड को निकालो, मतलब सड़क को वहां से निकालो। आप खुद देख सकते हो सड़क के लिए अल्लाह ताला ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अहमियत दी है, लेकिन आजकल ये कोई समझता ही नहीं है। बढ़िया ब्यूटी है और यहाँ से जो है वो आलमंड ट्रीज है। मार्च अप्रैल होता है ना जब मैं बाहर आता है तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सीन होता है यहाँ से। इस प्लेस को बोलते हैं कोयल वुड। अभी हम आ गए हैं कोयल की गलियों में। ये जो है ये इलाका कोयल है और मैं गलियों से जा रहा हूँ और यहाँ से मुझे रोड दिखाई नहीं दे रहा है, जाना किस साइड में। आंटीज आर ग्रेट, इन्होंने मुझे वो सड़क दिखाई हो। अब आप बोलोगे कि आप सीधे रास्ते से क्यों नहीं गए। मैं सीधे रास्ते से इसलिए नहीं गया बिकॉज सामने जो है ना वो सिक्योरिटी फोर्सेस थे। यहाँ से भी ब्यूटी बहुत अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है। ये हमारे कश्मीर के रूलर एरियाज और क्या खूबसूरती है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है ये रूलर एरियाज। हमारे रूलर एरियाज के सड़कें देखो यार, यहाँ सिर्फ स्विमिंग पूल बने हैं। देखो यार, मैं यहाँ तक पहुँचा पहले अल्लाह की मदद से, फिर लोगों को बताकर सड़क से जा रहा हूँ। इसीलिए जिंदगी में ना आपको लोगों का सपोर्ट जरूरी चाहिए, इसलिए लोगों से जो है ना वो प्यार बना के रहो, भले ही वो आपको कितनी भी नफरत करे, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसे ही आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम जो है ना हम आगे बढ़े और हमें सपोर्ट मिले। अभी हम दूसरी सड़क पर आ गए। स्टेबलाइजेशन इसकी बढ़िया है GoPro की, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, वो ये है कि बैटरी प्रॉब्लम हो रही, कभी कभी हैंग। ओ या क्या पागल बंदा था ये, देख रहे हो बंदा कितना तेज। अल्लाह ना करे अगर कुछ हो जाता। ऐसे बंदे क्या समझते हैं खुद को, इनको लगता है हम तेज चलाएंगे बूम बूम कि हमें लोग बोलेंगे वाओ ये कितना तेज चलाता है। भाई अगर अल्लाह ना करे कुछ हो जाएगा ना, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, बस सोमवार कब पड़ गया सर? हाँ शुक्रिया। चिनार हमारे कश्मीर की शान। मिनट के बाद हम आ गए हैं इन रास्ते पर। अगर आपको पुलवामा जाना है तो सीधे इधर से, और अगर श्रीनगर तो यहाँ से, सोमपुर भी इधर से ही है। इस इलाके का नाम है पिंगलन। आप सब लोगों को एक बात बताऊंगा, वो ये है कि अभी मैं मोटो व्लॉग करता हूँ ना, उसको बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है एडिट करने में। अगर उनको घंटा लगता है तो इसको 2-3 घंटे लगते हैं, बिकॉज इसमें जो है ना वो मैं कट्स बोर्ड ज्यादा डालता हूँ, कट्स से जो है ना वो व्लॉग कतई जहर वाला बन जाता है। वाह वाह क्या सीन है, वाह हमारे गुज्जर बकरवाल भाई। आगे
से ट्रेन जा रही थी और वो सीन बढ़िया था, लेकिन हमसे वो सीन मिस हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व सल्लम। तो भाई लोग, अगर आप बाइक पे या कहीं जा रहे हो ना, तो क्या है कि दुरूद शरीफ जरूर पढ़ लिया करना, इससे सुकून भी मिलता है और खासकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती है। आगे हम काकपुरा चौक में, यहाँ से भी श्रीनगर, यहाँ से भी श्रीनगर है, लेकिन यहाँ से श्रीनगर शॉर्टकट है, यहाँ से जाना है सोमपुर। अभी हम पहुंच गए हैं सोमबोरा और यहाँ से देख सक रहे हो ये सोमबोरा है, सेकेंडरी और ग्राउंड है। तो अभी हम उस बंदे को कॉल लगा रहे हैं जिस बंदे से मिलना है हमें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, पहले सलाम करो। अभी मैं आ गया हूँ अल्ताफ सर के यहाँ, मतलब उनके घर, क्या लेने, कुछ ऐसी चीज़ मैंने बोला था कि एक्सपेंसिव चीज़ है, वो वही लेने। ये देख रहे हो मेरे हाथ में क्या है, ये है सैफरान, सैफरान वो भी प्योर कश्मीरी। मेरे साथ सामने जो है वो सर है, सर एकदम में जाता है ये, हाँ ये 250 जाता है, 250 एक ये, हाँ। तो एक तोला कितने में जाता है, मतलब 10 ग्राम होते हैं ना वो एक तोला, 10 ग्राम 2500 में जाता है, हाँ। ओ, मतलब ये बहुत ज्यादा महंगा है ये जो है ना, ये बहुत ओरिजिनल है ना, ये ओरिजिनल है इसीलिए महंगा है ना, वरना जो है ना वो, अरे डुप्लीकेट भी बेच, यही एक्सपेंसिव चीज मुझे यहाँ से लेनी थी ये चीज। और ये जो है ना कश्मीरी सैफरान, ये वर्ल्ड में फेमस है। अभी भाईजान ने यहाँ से चाय लाई और चाय भी हम पी रहे हैं, उसके साथ साथ हम आपको ये ओरिजिनल सैफरान दिखा रहे हैं और फिर उसको तराशते हैं और ऐसा बनाते हैं। और जब तराशते हैं ना इसको, तो इसमें से कुछ वेस्ट निकलता है, वो ये होता है, और ये वेस्ट भी बिक जाता है। सर जो है ना वो सैफरान के साथ डीलिंग करते हैं, ओरिजिनल सैफरान बेचते हैं। ये जो टाइप है ना, ये ओरिजिनल सैफरान है, कश्मीरी सैफरान है, और ये गारंटी देते हैं कि अगर आप कहीं जो लेबोरेटरी टेस्ट करवाओ, आपको ऐसा सैफरान कहीं नहीं दिखेगा। सो अगर किसी को भी सैफरान चाहिए तो सर के साथ कॉन्टैक्ट करना, नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो अगर किसी को भी सैफरान चाहिए तो सर से कॉन्टैक्ट करना। अभी जो है ना, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, चलो अस्सलाम वालेकुम। और किसी को सैफरान चाहिए ना, सर के साथ ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। टाइम आ गया, वो आ गया 12:35। हाँ जी, तो अभी आप मुझे देख रहे हो सीधे जावा शोरूम सोपोर में। आप सब बोल रहे होगे आप तो सैफरान लेके गए थे लासीपोरा वो एट्सेट्रा, आपको बताया कि हेक्टिक कितना डे था आज मुझे, बिकॉज मुझे आज बहुत सारे काम निपटाने थे। टाइम आ गया अभी 5:55, जस्ट 9 में पहुँचा यहाँ, और मुझे जो है किफायत सर ने बोला कि आप जल्दी से आओ, क्योंकि इनको भी क्लोज़ करना है शोरूम। ऊपर से कैमरा की माइक में घर में भूल गया, मुझे आज बहुत मतलब दिन में काम था, ऊपर से शोरूम वालों ने बोला कि आज आपको जो है ना वो बाइक लेनी है। पिछले टाइम मैंने बोला था कि मैं जो बाइक लूँगा उसका कलर होगा ग्रीन प्लस सिल्वर, लेकिन अभी हम जो ले रहे हैं ना बाइक, ये वाली है, ये रेड एंड सिल्वर है। इसको हम फिर टेपिंग करवाएंगे, देखेंगे वो फिर आगे जाकर हमें मालूम होगा। अभी हमारी बाइक रेडी हो गई, बाइक में थोड़ा काम था वो हो गया, मतलब कुछ लगवाना था वो हो गया, तो अब बाइक पे पर्दा है, तो इस पर्दे को हम रिमूव करते हैं, लेते हैं अल्लाह का नाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मुर्तज़ा भाई जो कि वहाँ से हैं, मुझे जो है ना वो लेजेंडरी टी शर्ट गिफ्ट कर रहा है, तो ये यजदी की तरफ से है ना। यहाँ देख सकते हो यहाँ यजदी का लोगो है, और यहाँ भी यजदी का नाम लिखे है बैक साइड, और बैक साइड में भी यजदी का नाम लिखे। इन्होंने बोला था कि बहुत सारे कलर है, लेकिन मुझे वाइट अच्छी लगती है, तो इन्होंने बोला कि हमने आपको वाइट ही दी, तो चलो ठीक है, मैं इनको थैंक्स बोलना चाहूँगा। वैसे ये जो है ना ये परचेजिंग पर है, लेकिन इन्होंने मुझे एज ए गिफ्ट दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू,
थैंक यू आपको भी मरतब भाई। अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू अल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमको इस बाइक से नवाजा है, और थैंक्स टू माय मॉम डैड, थैंक्स टू माय बिग ब्रदर एंड स्मॉल ब्रदर, और आप सब लोगों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और यहाँ तक पहुँचा दिया। 6:45 टाइम आ गया तो क्यों है सर, थैंक यू सो मच आपने मतलब कुछ दिनों में ही मेरी बाइक अरेंज की, एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक्स टू जावा शोरूम, और आपको भी थैंक यू सो मच। अभी थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन का काम है, इनको भी लेट हो गया, मतलब आप देख सकते मैं यहाँ जो है 6 बजे आ गया, लेकिन फिर भी इन्होंने जल्दी काम ख़त्म किया। तो भी ये हमको घर लेनी है, अब इस पर मोटर व्लॉगिंग होगी, एडवेंचरस होंगे, वो आप देख ही लोगे। अब मोटर व्लॉगिंग हम कल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी क्या करते हैं काम, अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो अभी ये जो व्लॉग है ना इधर ही एंड करते हैं। आई होप आप सब लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एट लास्ट में ही कहना चाहता हूँ कि खुश रहो, खुशहाल रहो, इंसानियत और कश्मीर जिंदाबाद।